हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेडी टू वेयर कुर्तीज। और ये जैसे आपने टाइटल पर देखा है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल हैं। और ये ईद के लिए मैंने लिए थे, तो मैंने सोचा आपके लिए के साथ ये शेयर करती जाऊँ। ये आप इसका डिज़ाइन को भी नोट कर लें, इसके स्क्रीन शॉट ले लें और आप इसे बासानी घर पर बना सकती हैं। ये फुल साथ में पिकारिया, ये इसके साथ स्किन ट्राउज़र है, ये इसके दामन पर डोरी वर्क है। और ये आप, मैं क्लोज से आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से आप प्रिंट सूट को भी कैरी कर सकती हैं। ये देखें, बहुत सिंपल प्लेट्स हैं, तकरीबन 5 एक साइड पर हैं। ये इसका ट्राउज़र है, इसमें सीक्वेंस वर्क है थ्रेड के साथ। और इसमें ये सेकंड ड्रेस है मेरा, ये देखें बहुत सिंपल इसके एम्ब्रॉयडरी है। ये इस पर पर्ल लगे हुए हैं, बटन है, 3 बटन हैं। और ये इसके साथ क्रोशिया लेस लगी हुई है। और ये देखें इसके फ्रंट पे बाजू के पैचेस हैं, ये फ्रंट की भी फुल आप वीडियो में देख रहे हैं। फ्रंट पे भी ये एक आउटसाइड पे आप पिक में देख सकते हैं, एक दो लंबी लाइनें हैं, एक फ्रंट वाली साइड पर, एक बैक वाली साइड पर। सेंटर में एक मोटिव है, या आपको डिज़ाइन देखकर इसे खुद भी इस तरीके से स्टिच करवा सकते हैं या खुद घर में स्टिच कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, पैचेस यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसका फैब्रिक कितना शानदार है। और ये कलियां हैं, अच्छा इसमें ये है 3 कलियां इसकी, ये एम्ब्रॉयडर्ड हैं। फिर इसकी में ये 1, 2, 3, 4 और 5 कलियाँ इसकी प्लेन है। फिर इसकी 3 कलियाँ एम्ब्रॉयडर्ड हैं। आप इस तरीके से इसमें प्रिंट कलियाँ ऐड कर सकते हैं, ये पिक में आप देख सकते हैं। इसे आप जीन्स के साथ कैरी करें, कैपरी के साथ करें, सिंपल ट्राउज़र के साथ करें, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। ये फिटिंग पर ये पैच लगा हुआ है, ये बाजू में फिर आपको क्लोज से दिखा रही हूँ, आप इसके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, ये मोटिव है और ये फ्रंट पे है। और ये जो मैं आपको बता रही थी बैक पे है इसका, इसकी बैक ये प्रिंटेड है, इस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं। ये थर्ड ड्रेस बहुत शानदार कुर्ता है ये। और ये देखिए ये गले पे इसकी अराउंड द नेक फ्रिल है, बहुत ही सिंपल। और ये इसके बीट्स लगे हुए हैं, ये बटन ये मैंने खुद लगाए थे, इस पर बहुत सिंपल किस्म के बीट्स थे। और ये तकरीबन 6 हैं, आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, हाँ जी ये लगाए हैं। और ये इसके तमाम जो स्लीव्स हैं एम्ब्रॉयडर्ड है। इसकी मज़े की बात ये, एक कमीज है, इसकी जो शर्ट है ब्लॉक प्रिंट है और बाजू इसके एम्ब्रॉयडर्ड हैं। इसके आगे अगेन ये फ्रिल लगी है, ये थोड़ी सी बड़ी फ्रिल है, गले पर जो आपने देखी थी वो थोड़ी छोटी फ्रिल है। अच्छा ये इसकी मुकम्मल पिक है, ये आप साइड पे देख रहे हैं। इसके ऊपर ये क्रोशिया की मेरे पास दूसरे ड्रेस के साथ ये जैकेट थी, इसमें बीट्स लगे हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये इसके साइड पे क्या इसे एक बोलते हैं चाक है, उस पर सारी ये फ्रिल लगी है। आप इसे घर में बासानी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें ब्लॉक प्रिंट है सारा, आप इसे हैंड एम्ब्रॉयडरी के से ये बाजू बना सकते हैं, प्रिंट लगा सकते हैं, कोई पैचेस घर में पड़ी हैं वो यूज़ कर लें। ये देखें, अगर आप क्रोशिए का काम जानते हैं या बाज़ार में ये आसानी से मिल जाएगी। ये इसके साथ पर्ल के साथ थ्रेड वर्क है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। ये देखें, ये क्लोज से मैं आपको दिखा रही हूँ। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ, हमारे मोहल्ले में बहुत शोर है, बैकग्राउंड में बहुत सी आवाज़ें होंगी, प्लीज़ इनको इग्नोर करें और फोकस करें वीडियो पर। और जो मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ, ये इसकी तमाम ये लुक आपके सामने है। ये नेक्स्ट ड्रेस है, ये ओपन शर्ट है, ए शेप में है, बहुत ज़बरदस्त। अगेन इसका काम है, सिंपल फैब्रिक है, उसके ऊपर लाइट कलर का कॉम्बिनेशन आप देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसके नीचे ये फ्रिल वाली थ्रेड की लेस है, इसमें पर्स का काम है, तिल्ले का है, सीक्वेंस है, मुख्तलिफ चीज़ों की एम्ब्रॉयडरी, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। इसके जो बाजू हैं इनके ऊपर ये टिशू की पैच है और आगे इसके अगेन फ्रिल वाली लेस लगी हुई है।
बहुत ही सिंपल और ज़बरदस्त किस्म का इसके बाजू का डिज़ाइन है। गले पे ये स्कॉप बटन कह लें या स्टोन कह लें लगा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसको हैंड एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए भी इसी तरह सेम बना सकते हैं हाथ की कढ़ाई करके, या आपके पास घर में कोई पैचेस वगैरह पड़ी हैं प्लेन शर्ट लाकर आप आसानी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। ये इसको मैं आपको दामन से दिखा रही हूँ, ए शेप में है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और ये नेक्स्ट ड्रेस है, इसकी जो सबसे मज़े की बात है, ये तो शॉर्ट फ्रॉक है, उसकी ये स्लीव मुझे बहुत पसंद है। ये डबल फ्रिल वाले स्लीव्स हैं इसके, ये देखिए इन्हें एम्ब्रॉयडर्ड पैच के ज़रिए अटैच किया हुआ है। एक इसकी जो फ्रिल है वो प्लेन है, दूसरी ये एम्ब्रॉयडर्ड है, ये जो ब्लैक कढ़ाई में है, और दामन इसका भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगेन माजरत करूँगी, गली में मेरे काफ़ी शोर है और वीडियो में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा सुनने में। और ये देखिए इसके डोरी के साथ सारी लंबी लाइन बनाई है प्लेट में, इसमें डोरी ऐड की है प्लेट्स डालकर, आप देख रहे होंगे थ्री एक साइड पर हैं, थ्री एक साइड पर हैं। और ये नेक्स्ट सूट है, ये डबल स्टेप बना हुआ है, इसका फ्रंट ऐसे ही लुक दे रहा है जैसे डबल स्टेप शर्ट हो। इसके ऊपर ये डोरी की सारी एम्ब्रॉयडरी रही है और बाजू इसके अगेन फ्रिल वाले हैं, फ्रिल वाले बाजू और जो नेक लाइन है बहुत ही इन है आजकल। और ये स्किन के साथ इसका वाइट बहुत ही कलर कॉम्बिनेशन मज़े का लग रहा है। ये आगे ये टसल्स हैं और ये देखें ये इसका जो फ्रंट का मैं आपको दिखाऊं, ये इन्होंने सेंटर में सिर्फ छोटी सी एक पट्टी को अटैच किया हुआ है। ये डबल स्टेप कमीज नहीं है, ये सिंगल शर्ट है। ये मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ थोड़ा सा, ये देखें तकरीबन ये 4 से 5 इंच का पीस है, ये देखें ये इन्होंने फ्रंट पे अटैच किया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इसकी लुक डबल स्टेप की आ रही है और आप इसको अपने प्रिंटेड सूटों के साथ भी यही डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। और फैब्रिक इसका अगेन बहुत सॉफ्ट है और ये इतने रीज़नेबल प्राइस में है, ये 1000 से आपको 850 के दौरान शर्ट्स मिल जाएंगी। ये आपको इसकी फुल लुक मैं दे रही हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने इसका घर पर खुद तैयार करना है तो। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी हर नई अपलोड वीडियो को देख सकें, उनमें से अपनी पसंद की वीडियो के मुताबिक अपने कपड़े बना लें। और ये देखिए इसका ये ट्राउज़र मैंने खुद स्टिच किया है, क्योंकि इसके साथ ट्राउज़र नहीं है, सेपरेट शर्ट है। ये नीचे एक लेस है, फिर ये शटर की लेस है और ऊपर क्रोशिया लेस है।